हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, कौन सी डिवाइन पावर आपके शत्रुओं की योजनाओं को असफल करती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लेस रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सी डिवाइन पावर आपके शत्रुओं की योजनाओं को असफल करती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पेज ऑफ एंड्स, जस्टिस, देखो यही कार्ड आया है ना। देखो गाइस, डेफिनेटली चाहे आपको कितने भी कन्फ्यूज़न रहे, आपको खुद को कन्फ्यूज़न रहता है गाइस। देखो क्या कहना चाहती हूँ कि कौन सी डिवाइन पावर जो है ना वो आपको प्रोटेक्ट करती है और आपके शत्रुओं की योजनाओं को असफल करती है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आना यानी डेफिनेटली गाइस कि आपके विरुद्ध जो कोई भी प्लान बनाता है, कितने ही षड्यंत्र बनाने की कोशिश करता है, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन आखिरकार आपके साथ जस्टिस होता है। यहाँ कार्ड क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी मालिक पर ट्रस्ट है कि अगर अभी भी आपके साथ कोई कोई जस्टिस नहीं हुआ है, या किसी ने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है, या आपके साथ कोई गलत करने के बारे में सोचता भी है ना, तो आप एक बार बदला लेने के बारे में नहीं सोचते हैं। कहीं ना कहीं आप उसे मालिक को सौंप देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ हमेशा से जस्टिस होता आया है। शायद मैं कोई बात को भूल जाऊं, लेकिन मालिक किसी बात को भूलते नहीं है, और वो आज नहीं तो कल मेरे साथ जस्टिस करते हैं और करते ही है ना। तो पहले भी मेरे साथ जस्टिस हुआ था, आज भी मेरे साथ जस्टिस होगा और आगे भी होगा। दुविधा आपको किसी बात को लेकर नहीं रहती। पहले कभी दुविधा रहती थी, ठीक है, लेकिन कभी कभी जैसे हम भटक जाते हैं, है ना, कभी कभी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, या कुछ मामले लाइफ के ऐसे होते हैं जहाँ पर हम बरसों से जस्टिस की प्रे करते हैं कि मालिक मेरे साथ हमेशा जस्टिस किया, लेकिन इस मुद्दे पर जस्टिस क्यों नहीं किया। तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये मून की एनर्जी और वाटर की एनर्जी क्या कहती है कि मन में पता है कि मैं बेवजह का डाउट कर रहा हूँ, बेवजह की डाउट कर रही हूँ कि मालिक मेरे साथ जस्टिस कर देंगे। फिर भी एक कन्फ्यूज़न, वो कन्फ्यूज़न आपको ऐसा लगता है अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो मालिक मेरे साथ जल्दी जस्टिस कर देंगे। एक वो बच्चों वाला भाव आ जाता है, चाहे कितनी भी एज हो, कि मैं थोड़ा गुस्सा हो जाऊँ, थोड़ा ऐसे कहूँ तो शायद हो सकता है कि मेरी पुकार जल्दी सुन ली जाए, बट ऐसा नहीं होता गाइस। लिखा हुआ है आपके जस्टिस तो वो मिलता ही है ना, उसमें कोई दोहरा नहीं है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं रहती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है पता है कि डिवाइन पावर आपको इतना प्रोटेक्ट किए हुए रहती है कि कोई आपकी इमेज को कितना भी गलत साबित करने की कोशिश कर ले, कितना भी बुरा लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आपके साथ जस्टिस होता है। आपकी इमेज जो है ना अपने आप लोगों के सामने क्लियर हो जाती है। जैसे आपके साथ कई बार हुआ होगा, कुछ लोग आपके लाइफ में रहे होंगे जो एक समय में आपको बहुत गलत कह रहे थे, बहुत गलत कह रहे थे। शायद कई बार आपने उनको अपनी सफाई देने की कोशिश भी की होगी कि भाई आपका व्यवहार ऐसा नहीं है, या आपने कभी ऐसा किया नहीं, जानकर इंटेंशन रखकर कोई गलत काम नहीं किया है ना, बट सामने वाले इंसान ने आपकी बात नहीं सुनी, और हो सकता है आपने कहते कहते बंद कर दिया, अपनी सफाई देना बंद कर दिया। लेकिन एक समय निकलने के बाद में वो इंसान खुद ही आपको आकर कहे, ये एक लंबा समय निकलने के बाद में है ना, ये नहीं कह रही कि 2-4 महीनों में, ये कुछ साल निकलने के बाद में वो इंसान सामने आता है कभी, और वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल आपके बारे में उनकी थिंक गलत थी, जबकि आप ऐसा नहीं हो। कहने का मतलब क्या है कि समय जो है ना वो आपकी इमेज को अपने आप साफ सुथरा कर देता है। आपको मतलब एक कहता है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जब कभी भी एक चीज़ को नोटिस करना गाइस, एक बात को नोटिस करना, जब कभी आप अपने सफाई देने की कोशिश करते हो ना, लोग उसे और ज़्यादा गलत समझते हैं, और जब आप सफाई देना बंद कर देते हो ना, तब लोग आपको सही समझना स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए डेस्टिनी आपको क्या करेगी, आप इसके पीछे पीछे मत भागो, ये तो आपके हक में है कि
कि कोई कितना भी आपके बुरा करने की कोशिश करे ना, पर किस्मत आपकी इतनी प्रबल है कि आपके साथ अच्छा ही होगा। डिवाइन पावर जो है ना आपको प्रोटेक्ट करती है। आप माता जी के बहुत बड़े भक्त हो, कुछ व्यूवर्स हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, या आप जिनको भी मानते हो ना, वो एनर्जी आपको बहुत प्रोटेक्ट की हुई है यहाँ पर। ये कार्ड जो है ना, ये आपके साथ ना केवल, देखो गाइस, आज तक में भविष्य में अगर जैसे कभी आपको भी अगर कोई गलत सलाह देने की कोशिश करता है या राह को भटकाने की कोशिश करता है ना, तो आपको जाने नहीं दिया जाता। कैसे भी करके आपको रोक लिया जाता है कि आप गलत रास्ते पर नहीं जाओ। यानी कहीं ना कहीं खुद को लेकर भी जस्टिस की संभावना जो है ना मालिक बनवाते हैं आपके लिए। मतलब डिवाइन इतना आपका ख्याल रखती है और हर एक समय में हर एक कदम पर आपको सपोर्ट करते हैं गाइस। ये लिब्रा की एनर्जी बहुत दिखती होगी आपको। और आपके साथ यहाँ इस हद तक जस्टिस हुआ है कि आपके व्यवहार को बहुत बदला गया है। देखो मैं एक बात कहूँ कि आपके साथ जैसे ये यहाँ तक क्या कहा जाता है कि जैसे अगर आपके पैसे किसी ने ले लिए, फॉर एग्जाम्पल, है ना, किसी ने आपके पैसे ले लिए और वो दे ही नहीं रहा है, तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में ये नहीं आएगा कि मुझे उसे जाकर कुछ कहना है, बदला लेना है, या कुछ उसके विरुद्ध कुछ करना है। ऐसा नहीं, आप क्या कहते हो या आपके मन में क्या आता है कि मेरी मेहनत का पैसा है वो कहीं नहीं जाएगा, मैं कुछ करूँ ना करूँ मेरे पास लौट कर आएगा। और वही चीज़ें बनती है, वो परिस्थितियाँ बनती है या नहीं बनती है, ये आपके भाग्य में है गाइस। ये जो सपोर्ट है ना डिवाइन का, ये आप लिखवा कर लेकर आए हो। ये देखो, ये टोपी के ऊपर एक जो फैदर की एनर्जी है ना, ये एक ब्लेसिंग के बारे में बात करती है जो आप अपने कर्मों से लंबे समय से आपके साथ रही है गाइस। ये ब्लेसिंग आपके साथ जस्टिस का होना, आपके साथ गलत होना गवारा नहीं होता डिवाइन पावर को। एक प्रोटेक्शन रहती है आपको, एक समय के बाद में आपके काम बनते हैं, चाहे कोई कितना भी रोड़ा डालने की कोशिश कर ले, चाहे कोई कितना भी उस काम को बिगाड़ने की कोशिश कर ले, वो उससे डबल लेवल पर होती है, ऊंचे लेवल पर होती है, वो काम बनता है आपका। आपकी किस्मत को लेकर आपके शत्रु जो है ना वो बड़े विचलित हो जाते हैं कि आखिर इनके भाग्य में ऐसा क्या है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में ये भी होगा कि अगर आपने कहीं पर अपनी कुंडली को भी दिखाया होगा ना, जैसे यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के बारे में ये बात एकदम करेक्ट है ना, कि कुछ जगह पर अगर आपने अपनी कुंडली को भी दिखाया होगा ना, तो आपको ये कहा गया होगा कि आप बड़े भाग्यशाली हो। फिर आपके मन में ये भी आया होगा, इतना भाग्यशाली होने के बाद में लोग इतने पीछे क्यों पड़े रहते हैं, या आपके साथ गलत करने के बारे में क्यों सोचते रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके आपकी लाइफ में कोई प्रभाव है पॉजिटिविटी का, इसी वजह से नेगेटिविटी आप पर हावी होने की कोशिश करती है, उस पॉजिटिविटी को आपसे दूर करने की कोशिश करती है, पर डेस्टिनी ये होने नहीं देते, हर बार उनके प्लान को नाकाम करते हैं। ये बड़ा इनडायरेक्ट वे में एक स्पिरिचुअल मैसेज है ना जी, इसको समझना। यानी डिवाइन पावर हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है, चाहे कोई कितने भी एक इंसान हो, दो इंसान हो, कोई परिस्थिति हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, लेकिन उन सबसे आप बाहर आते ही हो। होता क्या पता है, ये एक एक यात्रा के जैसे। एक बात बताऊं मैं आपको कि जब कभी भी कोई भी आपका शत्रु बनता है ना, वो पहले, या कोई भी आपके विरुद्ध प्लानिंग रचता है ना, पहले उनको बहुत सफलता मिलती है कि उन्होंने जो सोचा है वो आपके साथ हो रहा है। फिर थोड़ा और वो एक और लेवल पर वो करने की कोशिश करते हैं, फिर और एक लेवल पर आपके साथ आपका बिगाड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये करते करते उनका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है ना, उसके बाद में जब वो और ज़्यादा कोशिश करने की, वो दिन रात करने की भी कोशिश कर लेना, तब भी आपका बिगाड़ा नहीं होता, आपको वो प्रोटेक्शन है गाइस। और हर बार आपने उनकी प्लानिंग को असफल किया है, तो कहीं ना कहीं कहते ना उनके गुस्से का लेवल बढ़ता है कि वो जितना भी आपके विरुद्ध कुछ भी सोचने के विरुद्ध सोचने की कोशिश करे ना, तब भी आपका बचाव हो जाता है, हो जाता है गाइस, कोई ना कोई जरिया बन जाता है कि आपको बचा लिया जाए। टेन ऑफ कप्स, एक्सपीरियंस आपको अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा मिलेगा गाइस। देखो कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनको आपने पहले सोचा होगा कि ये मेरी लाइफ के लिए कितने अच्छे हैं, मेरे कितने हितैषी हैं, कितने भले हैं, है ना,
और एक समय के बाद में आपको पता चला कि ये आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग करते हैं, या आपके सुख को देख कर इनको अच्छा फील नहीं होता। ये एक्सपीरियंस आपको बहुतों मिले हैं गाइस। सही गलत की समझ जो है ना, ये डिवाइन ने समय समय पर आपको दी है। देखो एक चीज़ कहूँ, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आना क्या कहता है कि आपको प्यार मिलना, अपनी फैमिली का प्यार मिलना, अपने अपनों का प्यार मिलना, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि परिस्थिति ऐसी बनती है और लोग देखते हैं कि इनको तो भाई इतना प्यार मिल रहा है अपनी फैमिली से और इतना लगाव मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। गलत शब्द भी वो यूज़ करने लगते हैं, या फिर कहते हैं ना कि बैठे बैठे किसी इंसान के बारे में बुरा बोलना है कि इनके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किसी के बुरे शब्दों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कि कोई अगर इस बात पर घमंड करे कि उनके बुरे कहने से फल जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, है ना। वो भगवान नहीं है, है इंसान ही है। और नेगेटिव एनर्जी से इतना भाव रखकर अगर आपके बारे में बुरा कहने के बारे में सोचेंगे, तो आपका बुरा होगा नहीं, वो मिरर की तरह एनर्जी करेगी और वो उन्हीं पर ही जाएगा। तो ये बात याद रखना, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं कि किस्मत के इतने तेज हो, इतने प्रभावी हो, जस्टिस लेकर आए हो, अपनी किस्मत का कलम लेकर आए हो, कि आपकी लाइफ में जो भी आप खोए खोते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलता ही है। कुछ भी आपने जो लॉस करते हो ना, उसका उसकी रिकवरी बड़े लेवल पर होती है गाइस आपके। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि आज नहीं तो कल, लेकिन मेरे साथ रिकवरी होती है और बड़े ऊंचे लेवल पर होती है। करने वाले बहुत सी मेहनत करते हैं पता है, आपके विरुद्ध योजनाएं बनाने के लिए, लेकिन हर बार आपका तो काम है हर बार उनकी योजनाओं को असफल करना। आपको कई बार पता भी नहीं होता कि अरे मेरे विरुद्ध ये प्लान बनी थी क्या, बहुत टाइम बाद में पता चलता है कि अच्छा ये भी था क्या, हाँ, और मेरे साथ जस्टिस भी हुआ, मुझे पता नहीं, मालिक ने मुझे बचाया, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो होता है कि चुपके चुपके कोई हमारी परवाह कर रहा है, हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम से गिरने से रोक देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ पर 9 की एनर्जी है, जस्टिस नंबर 9, और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स 10 की एनर्जी है। ये आप डेस्टिनी के कहे अनुसार चलते हो गाइस, आप मालिक पर बहुत बिलीव रखते हो, आस्था बहुत रखते हो। इवन मैं ये कह दूँ, अपनी तरह से चला कर किसी का दिल दुखाना आपको गवारा नहीं है। और अगर भूल चूक में कभी किसी का दिल दुख भी जाए ना, तो आपको गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है। शायद सामने वाला इंसान याद ना रखे, लेकिन आपको पता रहता है कि आपके साथ आपकी वजह से क्या गलती हो गई, तो वो गिल्ट बहुत रहता है। और कभी कभी क्या होता है, खुद को भी सजा देने की कोशिश करते हो कि मैंने गलत किया है तो मैं खुद को भी सजा दूँ। बट देखो एक बात कहूँ, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अच्छी बात है, ऐसे नेक इरादे पर रहो, है ना। ये अच्छा इंसान होने की एक पहचान है, लेकिन हद से ज़्यादा गिल्ट के भाव नहीं रखते। अगर आप में वो बात है कि आपको किसी बात का पछतावा हो जाता है और खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो, तो उस गलती को सुधारने की कोशिश कर लो, लाइफ में आगे बढ़ जाओ, फिर उस गलती को दोहराओ मत। अगर ये चीज़ आप कर लेते हो ना, तब ये रियल पछतावा है। बेवजह का गिल्ट लेकर बैठना, ये पछतावा नहीं होता गाइस। बस उस बात को बदल दो, उस गलती को दोहराओ मत, सुधार कर लो, है ना जी। स्ट्रेंथ 3 ऑफ सॉर्ड्स, कई बार आपका दिल भी दुखाया गाइस, कि लोग इतने ज़्यादा परेशान करते हैं, मैं किसी को परेशान नहीं करती, मैं अब किसी को परेशान नहीं करता, फिर लोग मुझे क्यों परेशान करता है। इवन एक बात कह दो कि शायद आप छोटे भी रहे हो होंगे ना, ठीक है, तब भी आपसे एज के कितने बड़े इंसान भी क्यों ना होंगे ना, उन्होंने भी आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है। मतलब एक होता है ना, जैसे हम अपने पर लेकर समझने की कोशिश करें कि हम जिस एज में हैं और हमारे सामने कोई बच्चा हो, अगर मान लो उनसे गलती भूल चूक में भी हो गई हो, ये जानकर भी कर लेना, तो हम उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा व्यवहार आपके साथ हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी बुजुर्ग ने आपके साथ कोई बहुत बुरा बिहेवियर किया है, जिसकी वजह से कोई आह कहते हैं ना आपके मन में चुभी हुई है कि मालिक इस इंसान ने बहुत बुरा बिहेवियर किया है मेरे साथ हमेशा से, है ना। और वो तकलीफ़ मेरे दिल से निकलती नहीं है, और काफ़ी प्लानिंग की है, और कई बार मतलब ये भी हो सकता है कि आपका उल्टा, देखो जिन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश की, उन्हीं के साथ आपका लगाव बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था।
ये लगाव भी तो दूर होना जरूरी था, एक डिस्टेंस होना जरूरी था गाइस। कोई भी हो सकते हैं ये जो आपसे बड़े हैं, लेकिन आप पर अत्याचार करने में इनको हिचक नहीं हुई और बहुत हिम्मत रखी है आपने। एक मर्यादा में रहते हुए अपनी बाउंड्री को भी सेट किया है। जस्टिस होगा गाइस, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, है ना, जस्टिस होगा, बिल्कुल चिंता ना करो। बहुत दिल दुखा है फिर भी हिम्मत रखी है, मालिक पर बिलीव रखो। द मून, ओके ओके, सेलिब्रेशन, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, डेथ के बाद में थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है और यहाँ पर टेन ऑफ कप्स और जस्टिस का कार्ड आया। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत हिडन रही है गाइस, चुप छुपा कर अचानक से कुछ चीज़ें आपके सामने कई बार आई है, कुछ लोगों के चेहरे भी आए हैं, है ना, या फिर आपको बाद में पता चला कि अरे ये इंसान मेरे बारे में इतना बुरा भी सोचता है क्या। और तब जब अवलोकन करते हो ना, तो पता चलता है कि अरे इस इंसान ने पहले मेरे साथ ऐसे करने की कोशिश की, इसका मतलब मुझे मालिक पल पल बचा रहे हैं, हर जगह बचा रहे हैं। तो डिवाइन पावर तो है गाइस, एंजल्स खूब सारे हैं आपके साथ। स्पेशली मैं कहूँ ना, मुझे ऐसा लगता है आर्क एंजल माइकल जो है ना, ये आपको बहुत प्रोटेक्ट किए हुए हैं गाइस। आप पर अगर कोई कितना भी ब्लैक मैजिक कर लेना या आपको किसी पर डाउट होना, देखो ये बात को नोटिस करो। देखो मैं आप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि मालिक आपका किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, आपको किस तरीके से बचाते हैं। अगर आपको किसी इंसान पर डाउट है कि ये इंसान आप पर ब्लैक मैजिक करता है, और आपने शायद देख भी लिया ऐसे इंसान को कि कुछ तो इनकी गतिविधियां अच्छी नहीं है, जो पहले छुपी हुई थी अब आपके सामने है, और सामने आने के बाद में आपको लगता है कि मैंने ऐसे इंसान पर बिलीव किया, ऐसे इंसान के यहाँ मेरा आना जाना रहा, ये पास पड़ोस के इंसान भी हो सकता है ना, जहाँ पर आपने नज़रों से भी देख लिया कि कुछ गतिविधियाँ इन लोगों की अच्छी नहीं है, सही नहीं है, तो वहाँ पर आपने एक डिस्टेंस को मेंटेन किया। लेकिन फिर भी ये इंसान अगर ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करते भी है ना, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता गाइस, उतना नहीं पड़ता। बस आपका मन थोड़ा बहुत विचलित विचलित हो जाता है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, वो उस ऑरे को भाप लेती है और कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी होने लगती है, लेकिन उसका बुरा इफेक्ट आप पर नहीं पड़ता। ये बात और लोगों को परेशान करती है कि आखिर ऐसा है क्या भाई, जो वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करने की कोशिश कर ले, आपका बुरा नहीं होता, आपकी वो प्रोटेक्शन होती है। और ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी बताओ, कि जब कभी भी आपको लगता है ना कि कोई इंसान आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है या आपके मार्ग में अवरुद्ध बनने की कोशिश कर रहा है, जब उनकी प्लानिंग फेल होती है ना, वो अपने आप में बहुत गुस्से में नज़र आएंगे या जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर आपको उकसाया जाए, आपसे कुछ ना कुछ गलत वर्ड्स बुलवाए जाए, है ना, या फिर आपके बारे में कुछ गलत चर्चाएं लोगों के सामने की जाए, बस एक वो वातावरण को बनाकर, है ना। वो क्यों किया जाता है कि उनकी एक प्लानिंग फेल हो गई ना, तो अब उनके दिमाग में क्या रहती है, आपकी इमेज, कि जानबूझकर झूठ बोलकर वही परिस्थितियों का निर्माण करना, झगड़ा करना, कलेश का वातावरण करना, फिर आपका गुस्से का लेवल बढ़े, आप उनको कुछ कहो और वो इस चीज़ को लोगों में फैलाए बात को। तो ये समझो किसी की सोच किस तरीके की है, इतना गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि उनकी प्लानिंग फेल हुई है गाइस, उनको लगता है आप कुछ कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आप पर भी डाउट है कि आप कुछ कर भी रहे हो, या हो सकता है आप, मतलब कुछ लोगों ने आप पर ये ब्लेम भी लगाया होगा कि आप ब्लैक मैजिक करते हो, वो करते खुद है पर ब्लेम आप पर लगाया है ना। देखो एक चीज़ कहूँ मैं आपको, कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ से एंड हुई है जिससे आपका दिल दुखा है, उनके पीछे हिडन बहुत कुछ रहा है, आपको कहाँ जा रहा है, अब लाइफ में एक बैलेंस लेकर आओ। यहाँ पर फिर से लिब्रा की एनर्जी, यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी, दो दो लिब्रा की एनर्जी प्लस जस्टिस का कार्ड प्लस थ्री टेन ऑफ कप्स का कार्ड, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड, है ना, थ्री थ्री की एनर्जी आपको एक भविष्य की तरफ एक बहुत पॉजिटिव साइन दे रही है। साहस रखना इस परिस्थिति में, अभी की परिस्थिति में आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है, कोई आपका बुरा चाहता है, मालिक पर ट्रस्ट रखना, आपके साथ किस तरीके का जस्टिस होता है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके एंड होने की बात कही जा रही है, आपके साथ कुछ गलत होने की बात नहीं कही जा रही है, आपका जो इंतज़ार है जस्टिस को लेकर, कोई लीगल इशू भी हो सकता है ऐसा भी लग रहा है ना,
कोई लीगल इशू भी है आपका जिसमें भी आपके फेवर में पक्ष में न्याय होता हुआ नजर आ रहा है गाइस, ठीक है। करेज, OMG, देखो यहाँ पर भी करेज का कार्ड है और यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखो आपके लिए क्या है, आपकी किस्मत जैसा मैं कहती हूँ ना गाइस कि बहुत प्रबल है। कोई देखो कितना भी, ये यहाँ पर क्या कहा जाता है कि कितना भी रोड़ा डालने की कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी अगर आपका पनपना लिखा हुआ है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, तब तो आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी गाइस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपकी किस्मत इतनी तेज है कि जो इम्पॉसिबल भी है ना वो आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इतना छोटा सा पौधा जो है ना वो देखो कितने बड़े पत्थरों के बीच से उभर कर बाहर निकल रहा है, पनप भी रहा है, जीवित भी है ना। तो चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो आपके लिए, लेकिन आपके लिए उसमें जीना या फिर आपको उसमें साहस देना और आगे बढ़ने की हिम्मत देना, ये साहस और हाथ जो है, ये ब्लेसिंग जो है, ये मालिक आपको देते हैं गाइस। तो आपको चाहे कोई कितना भी रोड़ा डाल देना आपके सुख में, लेकिन फिर भी वो सुख जो मिलना आपको लिखा हुआ है वो ऊंचे लेवल पर ही मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि लोग देखकर भी हैरान होंगे कि ये तो इम्पॉसिबल था, ये पॉसिबल कैसे हुआ भाई, क्योंकि आप पर मालिक की ब्लेसिंग है। ये आपके साथ बड़ा जस्टिस है गाइस। तो जितनी हिम्मत रखते हो ना उतनी हिम्मत का रिवॉर्ड पाने के लिए भी तैयार रहना। शायद आपने अपनी लाइफ में इतनी हिम्मत पता है क्यों रखी है, मालिक के आशीर्वाद की वजह से, वरना इतनी नहीं रह पाते गाइस, है ना, इतना सहन नहीं कर पाते। कई सारे लोगों के बारे में तो आपको स्पष्ट क्लियर सामने से पता था कि ये लोग मेरी लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, मेरा अच्छा नहीं सोचते, चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, हिम्मत रख कर कुछ ना कहकर सह कर आगे बढ़े। क्योंकि कभी कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है जहाँ पर इंसान कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ सहना पड़ता, उस समय के लिए चुप रहना पड़ता है, और आपने वो परिस्थितियों को भी झेला है ना। वही तो करेज है गाइस, कि ऐसे सिचुएशन में भी मुस्कुरा कर आगे बढ़ना। यहाँ पर क्या कहता है कार्ड कि तभी तो वो खेलता है, तभी तो ब्लेसिंग मिलती है। ये न्याय है गाइस, कुदरत का, बिल्कुल फ्लोरिंग, आपको खेलने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखो कोई कितना भी आपके विरुद्ध प्लान बनाए ना, तब भी आपको एक प्रोटेक्शन है। आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर किसी की नज़र बहुत रहती है कि आपके पास पैसा ना रहे। पैसा क्यों ना रहे, अगर पैसा रहेगा तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप सिक्योर हो जाओगे अपने भविष्य को लेकर, है ना। और सिक्योर हो गए तो आप किसी से डरोगे नहीं, आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होगी। तो कोई ऐसा है जो ये सोचता है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल तौर पर आपको तोड़ दिया जाए तो आप कमज़ोर हो जाओगे, कोई आपकी कमज़ोरी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, और मालिक जैसे ही आपकी कोई कमज़ोरी उनके सामने आती है ना, उस कमज़ोरी को आपकी ताकत बना देता है। मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल मैटर पर कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं ना, और वहाँ पर मालिक आपको मजबूत बना रहे हैं। शायद इन दिनों में हो सकता है आपको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, जैसा ये कार्ड कहता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है, नॉलेज खूब सारी गेन करनी पड़ रही है, या दो तीन काम एक साथ करने पड़ रहे हैं आपको, तब कहीं जाकर आपके आपके पास अमाउंट आता है, पैसा आता है। मालिक आपको यही कहते हैं कि कोई कितना भी आपको फाइनेंशियल मैटर पर तोड़ने की कोशिश कर ले, अभी आपको मेहनत ज़्यादा मांगा जा रहा है, अभी आपकी आपसे मेहनत ज़्यादा मांगी जा रही है गाइस, क्योंकि ये परिस्थिति जो है ना थोड़ी विपरीत है, तो इसको पक्ष में अनुकूल में आने के लिए थोड़ी मेहनत आपको देनी पड़ेगी, थोड़ा साहस आपको दिखाना पड़ेगा, और ये न केवल आप खुद करोगे गाइस, इसमें मालिक का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। तो आपके भाग्य में फाइनेंशियल तौर पर कमी या पैसों की कमी लिखी हुई नहीं है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपको जिस जगह पर पैसों की आवश्यकता होगी ना वहाँ पर मालिक की ब्लेसिंग आप पर पहुँच ही जाएगी, माँ लक्ष्मी की मेहर आप पर है गाइस। आप शायद नारायण की पूजा करते हो, सत्यनारायण जी की पूजा करते हो, मतलब कुछ ना कुछ तो है जो मालिक माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा, या आप मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो आप, लेकिन आप लेडीज़ की रेस्पेक्ट जो है ना, लेडीज़ की रेस्पेक्ट जो है ना, ये आप बहुत करते हो,
और ये कहीं ना कहीं आपके लिए घूम घाम कर अच्छे कर्म के रूप में बनकर आता है। एक और गाइडेंस है गाइस कि अगर आप अपनी लाइफ से थोड़ी नेगेटिविटी को और कम करना चाहते हो और अपनी तरफ से भी कोशिश करना चाहते हो ना, तो थोड़ी खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट भी करो, खुद को निखारने में भी थोड़ा ध्यान दो, है ना जी। तैयार होकर रहो। अगर खुद के प्रति लापरवाही वाला अभी बिहेवियर है, इग्नोर करने वाला, खुद को इग्नोर करने वाला, तो उसको दूर करो, है ना जी। ये देखो एक्सिस्टेंस, द आउटसाइडर, क्लिंगिंग टू द पास्ट, कॉम्प्रोमाइज। एक बात क्या हो रही है पता है आपके साथ, कि जब भी परिस्थिति ऐसी बनती है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या आप रेडी भी हो जाते हो कि चलो कोई नहीं, परिस्थितियाँ बदल नहीं रही है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उस राह पर चल भी पड़ते हो ना, किसी भी तरीके से कोई एक बाधा उत्पन्न होती है, क्रिएट होती है, और आपका कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपको रोक देती है। मतलब आपकी लाइफ का गलत स्टेप आप खुद भी उठाने के लिए रेडी हो जाते हो ना, तब भी डिवाइन पावर आकर आपको वो गलत कदम करने से रोकती है। चाहे आपको उस समय कितना भी बुरा लगे, आप कितना भी रोते हो तड़पते हो, लेकिन फिर भी वो एक्शन आपके लिए नहीं लिया जाता, क्योंकि वो आपको आपकी नज़र में सही लगता है गाइस, लेकिन डिवाइन की नज़र में सही नहीं होता। और बाद में जाकर आपको अंदेशा होता है कि हाँ अच्छा हुआ मैंने वो एक्शन नहीं लिया, मालिक ने मुझे बचा लिया। ये कई बार हुआ आपके साथ, जब आप 100 100 बार धन्यवाद करते हो मालिक ऐसी बुरी सिचुएशन में मुझे गिरने से बचा लिया, वरना आज मेरी परिस्थिति क्या होती, आज बिल्कुल अलग हो। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में कोई गलत कदम, बहुत बड़ा गलत कदम आप उठाने वाले थे, लेकिन मालिक ने आपको बचाया है। अगर वो गलत कदम उठा लिया होता ना, तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा होता, ये आपको भी पता है, स्पॉइल्ड हो गई होती लाइफ, लेकिन मालिक ने बचाया है ना। तो कोई भी कैसी भी प्लानिंग कर लेना गाइस, या इवन आप भी अपने विरुद्ध भी खड़े हो जाओ ना, अपने ही शत्रु बन जाओ ना, तब भी मालिक कैसे भी करके आपको बचाते हैं, खुद से भी बचाते हैं। ये देखो तो यहाँ पर मालिक क्या कह रहे हैं कि खुद के मित्र बन जाओ। देखो दुनिया की प्लानिंग को तो असफल कर लिया जाएगा, लेकिन आप अपने माइंड को भी कंट्रोल करो, अपने मन को भी कंट्रोल करो। देखो यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि आपके शत्रु की योजना ये भी होती है कि वो आपके बनते काम को पूरी तरीके से बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपका काम वो थोड़े टाइम के लिए डिले में चला जाता है, कुछ दिन के लिए वो डिले में जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। और जब आप सरेंडर कर लेते हो ना, तब वो क्या होता है, वो काम आपका बन जाता है, या वो इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। या न केवल मैं एक काम के बारे में कह रही हूँ गाइस, आपकी लाइफ का कोई भी मैटर हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है जो आपको लगता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकती है ना, कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए और कोई जानकर उसे उसमें रोड़ा बनने की कोशिश करता है, ये चाहता है कि वो सुख आपको ना मिले, और आप सरेंडर कर देते हो मालिक को कि मालिक देखो ये इंसान हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, या कुछ ना कुछ योजना बनाकर ये आती हुई खुशी को मुझे एक्सेप्ट नहीं करने देते हैं। लेकिन मालिक क्या कहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए डिले हो जाती है, डिले में चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य में नहीं है, ये आपको मिलेगी नहीं कभी, ये आपको डेफिनेटली मिलती है। आप अपनी किस्मत से अपने शत्रुओं की प्लानिंग को विफल कर देते हो, उनकी योजनाओं को भंग कर देते हो। अब वो चाहे कितने भी 24 घंटा हो जाए, या कितने भी घंटा बैठकर आपके विरुद्ध प्लानिंग कर लेना, तब भी आपका अच्छा होना लिखा हुआ है। अब चाहे वो कोई भी स्टेप उठाए, कितनी भी मेहनत कर ले। ये कार्ड क्या कहता है कि बहुत उम्मीद रख कर मेहनत करते हैं कि आपका कुछ गलत हो जाए, है ना, लेकिन मालिक हर बार उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं, मतलब उनकी प्लानिंग को असफल कर देते हैं। और ये आपको पता भी है कि मेरे मालिक ने हर वक्त मुझे बचाया है, मुझे सुरक्षित रखा है ना जी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी प्लानिंग कोई बनाता है या आपको सामने से डराने की कोशिश करता है ना, आप उनकी नेगेटिविटी पर बिलीव मत करना, मालिक के ब्लेसिंग पर बिलीव करना। उनकी ब्लेसिंग आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, सुरक्षित किए हुए हैं, और काफ़ी सारे एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। तो बिल्कुल ट्रस्ट रखना, मालिक पर ट्रस्ट रखना, उनकी ब्लेसिंग पर ट्रस्ट रखना, आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है, उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक
हमारे विरुद्ध चाहे कोई कितनी भी प्लानिंग बना ले, उन सब प्लानिंग को विफल कर देना, हमें सुरक्षित रखना, हमारे परिवार को सुरक्षित रखना, हमारी खुशियों को सुरक्षित रखना, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।